नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज चौगामा की आवाज़। मुजफ्फरनगर लोकसभा 2024 का बिगुल बज चुका है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव का प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है। इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक अपने प्रत्याशियों के समर्थन में मैदान में उतर चुके हैं। वहीं बीते रविवार को जहां मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद किया, तो वहीं 3 अप्रैल बुधवार को देश के गृह मंत्री अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय बालियान के समर्थन में मुजफ्फरनगर के शाहपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। श्री अमित शाह जी कल 3 अप्रैल को मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के शाहपुर क्षेत्र में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयंत चौधरी भी उनके साथ रहेंगे और भारी संख्या में लोग यहाँ पर आने वाले। जो विषय आपने पूछा तो निश्चित रूप से मुजफ्फरनगर के लिए बहुत ही कलंक का दिन हो रहा। यहाँ के क्षेत्र की जनता ने 3 सितंबर 1989 को श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद को सांसद चुनकर के दिल्ली के अंदर भेजने का काम किया और देश के गृहमंत्री बने। वो देश के गृहमंत्री बनने के बाद ही उस समय आतंकवाद चरम सीमा पर था। उनकी बेटी रुबिया दियागत को आतंकवादियों ने भड़क कर दिया और उसके बदले में गृहमंत्री जी ने अपनी बेटी को बचाने के लिए, यानी परिवार फर्स्ट देश नथिंग, अपनी बेटी के सम्मान के लिए अपनी बेटी को बचाने के लिए 5 दुर्दांत आतंकवादियों को छोड़ने का काम किया, रिहा कर दिया। मैं ये नहीं कहूंगा कि बेटी का सम्मान नहीं होना चाहिए, पर बेटी के सम्मान के लिए देश की जिम्मेदारी से, देश की रक्षा से हम समझौता करें, ये निश्चित रूप से बहुत शर्मनाक था। और एक वर्तमान में आज के गृहमंत्री हैं आदरणीय अमित शाह जी, जिन्होंने कश्मीर के अंदर धारा 370 को समाप्त करने का काम किया, जो नौजवान जिनके हाथ में पत्थर रहते थे, बम के गोले रहते थे, राइफलें रहती थी, उनको समाप्त करके उनको रोजगार दिलवाने का काम कर रहे हैं। आज कश्मीर 2 संविधान 2 निशान 2 प्रधान ये नारा वहां से हटा, धारा 370 हटी और हटने के बाद सैलानी 2-2 साल की एडवांस बुकिंग आज कश्मीर के अंदर है और जो शेष पीओ के हैं उसको भी आदरणीय अमित शाह जी ने कहा है कि वो भी भारत का अभिन्न अंग है और उसको भी हम लेकर के रहेंगे। ऐसे दृढ़ निश्चय गृहमंत्री कल मुजफ्फरनगर में आ रहे, उनका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। लाखों की जनसंख्या का सैलाब उनका स्वागत करेगा उनके भरोसे।